हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 31 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 31/8/24 के लिए, ठीक है। तो देखिए 31 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए 31 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि देखिए 30 तारीख के गेम में, 30 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 20 का जोड़ी गेम बना था, लेकिन देखिए हमें 30 तारीख को गेम पास देखने को नहीं मिला है, 30 तारीख को मिस हो गया है। देखिए इस बात को लेकर आप लोग उदास मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, लगातार गेम पास देखने के बाद कभी कभार ऐसा हो जाता है। और अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखते हो, आप लोगों को पता होगा ही कि हमें ज़्यादातर गेम पास ही देखने को मिला है इस वीक में। देखिए अभी कितना दिन गया है, देखिए मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और इसमें से देखिए हमें ज़्यादातर गेम पास ही देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद जाके लगातार गेम पास देखने के बाद कभी कभार ऐसा हो जाता है एक दिन दो दिन, तो इस बात को लेके आप लोग उदास मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। और अभी देखिए आज के वीडियो पे हम 31 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। देखिए 31 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे, तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए देखिए लाइन यहाँ पर 30 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 30 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 31 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 246 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 20 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 280 का अंक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे और यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 246 का अंक। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 का अंक बनेगा। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा। उसके बाद 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे फिर से 2 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा। 7 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बनेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। देखिए लाइन तो हो गया है फर्स्ट लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 246 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 2 और 4 को जोड़ा, 6 का अंक बना। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ा, 10 का अंक बना। उसके बाद 6 और 1 को जोड़ा, 7 का अंक बना। 1 और 1 को जोड़ा, 2 का अंक बना। उसके बाद फिर से 7 और 2 को जोड़ा, 9 का अंक बना। 7 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बना है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकेंड लाइन देखेंगे।
तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 20 का जोड़ी गेम। तो फिर से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे, तो फिर से देखिए 0 का वैल्यू 1, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 का अंक बनेगा। उसके बाद 2 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 का अंक बनेगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 का अंक देखने को मिला है। देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 20 का जोड़ी गेम, तो 0 का वैल्यू 1, तो सबसे पहले हमने 2 और 1 को जोड़ा 3 का अंक बना, उसके बाद 2 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 का अंक बना है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 3 और 1 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन, तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 280 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा, 10 से 0 को लिखेंगे 1 रहने देंगे। उसके बाद 8 और 0 को जोड़ेंगे, 0 का वैल्यू 1, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 10 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, फिर से 1 और 1 को जोड़ेंगे फिर से 2 का अंक बनेगा। उसके बाद 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 का अंक बनेगा, 2 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। देखिए लाइन तो हो गया है थर्ड लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 280 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 2 और 8 को जोड़ा, 10 का अंक बना, 10 से 0 को लिखा, 1 रहने दिया। उसके बाद 8 और 1 को जोड़ा, 9 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 10 का अंक बना। उसके बाद फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, फिर से 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना। उसके बाद 2 और 2 को जोड़ा 4 का अंक बना, 2 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बना है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 4 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 3 और 1 का अंक देखने को मिला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 4 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, ठीक है। मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, वो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला था, तो देखिए 9 और 5 को फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 और 5 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 14 का अंक बनेगा, 1 और 4 का अंक। अभी हम 1 और 4 को फिर से जोड़ देंगे, 5 का अंक बनेगा, 1 और 4 को फिर से माइनस करेंगे फिर से 3 का अंक बनेगा। अभी 5 और 3 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए होगा देखिए क्या, 2 का अंक। तो फर्स्ट लाइन में 2 का अंक, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 का अंक देखने को मिला था, तो 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, 4 का अंक बनेगा, 3 और 1 को फिर से माइनस करेंगे फिर से 2 का अंक बनेगा। अभी 4 और 2 को फिर से जोड़ देंगे, 6 का अंक बनेगा। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर देखिए होगा क्या, 6 का अंक, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 0 का अंक देखने को मिला था,
तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, अभी 4 और 1 को जोड़ देंगे 5 का अंक बनेगा, 4 और 1 को फिर से माइनस करेंगे फिर से 3 का अंक बनेगा, अभी 5 और 3 को फिर से माइनस कर देंगे फिर से 2 का अंक बनेगा। तो थर्ड लाइन में देखिए 2 का अंक, लेकिन देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से ऑलरेडी पहले से 2 का अंक दिखने को मिला है, तो इसलिए जो ये थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 2 का अंक दिखने को मिला है, इस 2 के अंक को हम नहीं देखेंगे, 2 के फैमिली को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 का अंक, ठीक है। तो अभी देखिए हमें 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है, देखिए क्या क्या, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 2 का अंक, सेकेंड लाइन में 6 का अंक और थर्ड लाइन में 7 का अंक। तो देखिए हमें 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए, तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 का अंक देखने को मिला है और 2 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 7 का अंक देखने को मिला है, तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 6 का अंक देखने को मिला है, तो 6 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए 6 का फैमिली 1 का अंक, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए 4 अंक निकल गया है, तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी, स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 1 और 6 का अंक जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओटीसी में क्या देखने को मिला देख लीजिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 1 और 6 का अंक देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया है, तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो अभी देखिए जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा 13 का जोड़ी, उसके बाद होगा 11 का जोड़ी, उसके बाद होगा 63 का जोड़ी और होगा 61 का जोड़ी, उसके बाद होगा 23 का जोड़ी और होगा 21 का जोड़ी, उसके बाद होगा 73 का जोड़ी और होगा 71 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग जोड़ी में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 13 का जोड़ी, 11 का जोड़ी, 63 का जोड़ी, 61 का जोड़ी, 23 का जोड़ी, 21 का जोड़ी, 73 का जोड़ी और 71 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, और देखिए आप लोग जोड़ी को नॉर्मली नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मत देखिएगा, ठीक है। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 31 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।